विद मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, एमआई, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। शनिवार को विदिशा जिले में सूदखोरों से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें रविवार को सूदखोरों पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक नीलेश जैन के पास से मिले सुसाइड नोट में जिन 7 लोगों के नाम हैं, उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए। एक घंटे का चक्का जाम CSP के आश्वासन के बाद खोला गया। नीलेश जैन एक युवा व्यवसायी था, जिसकी मंगलम बुक डिपो के नाम से दुकान थी। उसने कभी कोई थोड़े बहुत लोगों से कुछ पैसे लिए होंगे, और लेकिन सूदखोरों ने उसे 10% 20% का करके उसे बहुत बड़ी रकम बना दिया, जिसे उसने अपना मकान बेच गिरवी रख के, मतलब बैंक से लोन लेके पूरा कर चुका दिया। इसके बावजूद भी उसके जो सूद राशि थी उसके लिए सारे लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे, और काफ़ी समय से मतलब वो उसे प्रताड़ित कर रहे थे। चेक भी नहीं दिए थे, चेक भी रख के बैठे थे, कहना कोर्ट में निपटाएंगे। उस व्यक्ति को इतना, बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें कोई कमल प्रकाश जैन है, दीपेंद्र जैन है, नरेंद्र रघुवंशी है, नरेश जैन है, और भी आने के बोला है कि और भी उसमें करीब उसने नाम है, पूछ के भी आने के नाम है, 7 नाम है, और उस लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। रकम तो बहुत कम थी, उसने तो कभी 1-1.5 लाख रुपए लिए थे उसने 10-10-20-20 हजार करके, लेकिन वो उन्होंने सूदखोरों ने उसको है ना 15-20 लाख रुपए की रकम कर दी है। क्या है कि सूदखोरों का जो प्रेशर है उसके वजह से अभी तक पुलिस प्रशासन ने अभी तक हम लोगों को FIR की कॉपी नहीं दी है। हम केवल यही चाह रहे हैं कि FIR हो, और 15 लोगों जिनने उसे प्रताड़ित किया, जिनकी वजह से उसने आज ये आत्मघाती कदम उठाया, उन लोगों का नाम FIR में हो, उन लोगों को सजा मिले। कल 5 बजे से 24 घंटे होने वाले हैं। कल सुबह 4 बजे अस्पताल लेके आए थे, जब से अभी तक हम लोगों को FIR नहीं मिली है। नीलेश जैन 27 साल की उम्र के एक युवा ने आत्महत्या की, उसकी सूचना थाने से कोतवाली में पहुंची, SI नामदेव के द्वारा जांच की जा रही है, और उसमें अभी पता लगाया है कि परिजन है, शोकाकुल वातावरण में है, और वो हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए, और उस पर से जांच करके जो सुसाइड का कारण है वो मालूम करके इन्वेस्टिगेशन में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये इनके परिजनों का शोकाकुल वातावरण है, इसलिए बाहर इकट्ठे हो गए, इनको समझाइश दी गई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट की जांच की जा रही है, उस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर TV न्यूज। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए रोहित मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, MI, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा, घर बैठे मोबाइल पाएं, मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, एयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में बड़ा बाजार, सागर।